व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप नई पॉलिसी ला रहा है जिसके तहत कंज्यूमर्स का डेटा उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक से शेयर होगा। पॉलिसी को 8 फरवरी तक स्वीकार करना होगा या फिर ऐप से आपको बाहर आना होगा। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में अब एक नया मोड़ आ गया है। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अपने आप को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ा हूं। मान के कमेटी से हटने के बाद अब समिति में सिर्फ 3 सदस्य बचे हैं। वहीं ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रवक्ता और कोर कमेटी के सदस्य विनोद आनंद ने बताया कि भूपेंद्र मान को लगातार धमकियां मिल रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के बीच सिंधु बॉर्डर तो नहीं गए, लेकिन गुरुवार को तमिलनाडु के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू को देखने के लिए वो जरूर गए और किसानों के मुद्दे पर सियासत करने से नहीं चूके। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 50 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी किसानों के बीच भले ही न गए हों, लेकिन मोदी सरकार पर उन्होंने फिर से निशाना साधा। केरल के वायनाड से सांसद राहुल ने तमिलनाडु जाकर किसानों को नैतिक समर्थन देने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ऐसा कर रही है। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं। जिन कानूनों को मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है उन्हें वापस ले जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जस्टिस काटजू ने पीएम मोदी से कहा है कि किसानों की ओर से कोर्ट की कमेटी को ठुकराने के बाद सरकार को तुरंत कानून वापस लेना चाहिए और साथ ही हाई पावर किसान कमीशन का गठन करना चाहिए। मार्कंडेय काटजू ने लिखा, भारत में किसान आंदोलन और इससे जुड़ी समस्याएं एक गतिरोध पर पहुंच गई हैं। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 4 सदस्यीय समिति की सुनवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक उन 3 कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कोरोना महामारी के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई 16 जनवरी को शुरू होने जा रही है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लगवाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दिल्ली में 81 जगहों पर 16 जनवरी से टीका लगाया जाएगा। इस दौरान हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक दिल्ली को 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली है। लंबे समय तक कोरोना कैपिटल रही मुंबई का वैक्सीन का इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। मुंबई में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए मुंबई में कुल 1,25,000 हेल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पहले चरण में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए बीएमसी की क्या तैयारियां हैं इस पर खास जानकारी देते हुए बीएमसी ने कहा है कि 3 चरणों में यह वैक्सीनेशन की प्रोसेस पूरी की जाएगी और 2 डोजेस दी जाएंगी प्रत्येक फ्रंटलाइन वर्कर को। देश में कोरोना के मोर्चे पर इस बीच बड़ी राहत वाली खबर है। बीते 24 घंटे में देश भर में 16,946 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 10,146 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में ही 198 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश भर में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा करीब 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है। कोरोना का रिकवरी रेट भी 96% से ज्यादा है, जबकि मृत्यु दर 1.44% है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में कहा कि पत्रकार प्रिया रमानी को उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास घटनाक्रम को लेकर कोई साक्ष्य ही नहीं है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि यौन उत्पीड़न की यह कथित घटना कई दशक पुरानी है। पूर्व मंत्री ने अपने वकील के जरिए यह भी कहा कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ इंसाफ दिलाने के मंच और मौके हमेशा से मौजूद थे। वहीं कोर्ट में यह भी बताया गया कि रमानी के आरोप जनहित में नहीं है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार की अदालत में वकील गीता लूथरा के माध्यम से अकबर ने यह जानकारी दी है, बातें कही हैं। अदालत में एमजे अकबर द्वारा रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर अंतिम सुनवाई चल रही थी। अकबर ने अपनी शिकायत में कहा है कि रमानी करीब 20 साल पहले उनके पत्रकार रहने के दौरान अपने साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर उनकी छवि खराब कर रही हैं। रमानी ने 2018 में मीटू आंदोलन के दौरान अकबर के खिलाफ आरोप लगाए थे।
भारत के उत्तर पूर्व और पूर्वी राज्यों को जिहादी गुटों से जबरदस्त खतरा पैदा हो रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जमात इस्लामी हिंद धीरे धीरे असम में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। इसके साथ ही जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश में भी दोनों ही संगठनों के साथ मिलकर असम और पश्चिम बंगाल में अपना आधार मजबूत कर रहा है। अंदेशा यह है कि बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाके में गड़बड़ी फैलाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इनकी नज़र इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में अशांति फैलाने पर भी है। कोरोना के चलते इस बार गणतंत्र दिवस पर किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड-19 की वैश्विक स्थिति के चलते यह फैसला लिया गया है कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में नहीं होंगे। आपको बता दें कि ब्रिटिश पीएम जॉनसन को भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद से उन्होंने भारत दौरे को लेकर अपनी असमर्थता जाहिर की।